क्रिकेट से जुड़े फैंस के लिए बेहद बुरी खबर है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एप्टन विक्स का निधन हो गया है। एप्टन विक्स को वेस्ट इंडीज में खेलों के फाउंडिंग फादर के तौर पर जाना जाता है। एप्टन विक्स की उम्र 95 साल थी। एप्टन विक्स के निधन के बाद पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। एप्टन विक्स ने करीब 10 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। एप्टन विक्स ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1948 में की थी। 1958 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत होने तक उन्होंने 48 टेस्ट मैचों में 58.61 के बेहद ही शानदार औसत से 4455 रन बनाए। टेस्ट में विक्स का उच्च स्कोर 207 रन है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15 शतक लगाए। इतना ही नई विक्स के नाम लगातार 5 शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। विक्स ने अपने करियर के चौथे टेस्ट मैच में 141 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी। उसी साल वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया दौरे पर आई, जहां उन्होंने 128, 194, 162 और 101 रन की पारियां खेली। विक्स लगातार छठी सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन वो 90 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने ट्वीट करके कहा, हमने अपना सबसे बड़ा आइडियल खो दिया। एक लेजेंड, हमारा हीरो एप्टन विक्स चले गए। विक्स की आत्मा को शांति मिले। विक्स के निधन पर टीम इंडिया के पूर्व स्टार खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने भी दुख जाहिर किया है। लक्ष्मण ने लिखा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का लेजेंड चला गया। सर एप्टन विक्स वह क्रिकेट के खेल के लिए एक तोहफे की तरह थे।